सारे बेकार यहीं बैठे हैं। क्यों रे सचिन, क्या कर रहा है? अपना होटल है ना, वहीं काम करता हूँ। तब तो ठीक है, गर्मा गर्म दो मसाला डोसा घर पे भिजवा देना, पहुँच जाएगा। क्यों रे, तू क्या करता है? मैं मछली मार्केट में काम कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, रात को 2 किलो बांगुर मछली घर पे भिजवा देना। क्यों रे राम, तू क्या कर रहा है? मुर्गों की पोटी उठवाने का काम करता हूँ, 2 ट्रक भिजवाऊँ क्या? ये कभी नहीं सुधरेगा। गांव के सारे लड़के दिन भर काम करके हाथों में पैसे भर के लाते हैं, और ये सिर्फ खाना खाकर पचाने तक घूमता रहता है। एक दिन इसका भी टाइम जरूर आएगा। हाँ, फिर ये खुद बदल जाएगा। दीवार पे टंगी घड़ी का भी टाइम बदलता है, इसे देखो किसका टाइम कब आएगा। माँ, अरे माँ, अरे माँ चलो ना जल्दी, अरे आओ ना, अरे क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। अरे, कहाँ जा रहे? अरे सुन तो। माँ कार में बैठो। मेरी बात मान ले बेटा, इस घर में तेरे पापा की यादें हैं, इसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। पापा इतने पहले मर चुके हैं, फिर भी उनका ख्याल है तुम्हें, मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें, चलो ना। मैं नहीं जा सकती इस घर को छोड़कर। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, चलो ना। छोड़ दे, चलो चलो, मेरी बात मान ले। चलो माँ, मैं नहीं जाना चाहती। अचानक अपनी माँ पर इतना प्यार कहाँ से आ गया बे? ओह, तेरी बीवी के होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए एक नौकरानी चाहिए ना, अगर वो तेरी माँ हो तो खर्चा भी नहीं होगा और 2 वक्त के खाने का काम हो जाएगा, सोच कर ले जा रहा है ना, इतना ही है ना। ए, पैसे कमाने से सिर्फ कार या फ्लैट खरीदना नहीं होता है। एक बार भी तूने अपनी माँ के लिए साड़ी ला कर दी? तू कमीना है ये जानते हुए भी तेरी माँ हर इंसान को कहती फिरती है कि मेरा बेटा सच में बहुत अच्छा है। उसने अपनी नजरों में तुझे हीरो बनाया और तू अपने ही घर में उसे नौकरानी बनाना चाहता है। आज बहुत अच्छा दिन है, 100 सालों में एक बार आता है ये दिन। आज के दिन जो पालकी उठाएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसीलिए आज हमें किसी भी तरह से पालकी उठा लेनी चाहिए। चलो। ए, कोई अगर पैसे दे रहा हो तो उसे बातों से घुमा देते हैं हम। इच्छा पूरी करेंगे तो क्या भगवान की पालकी नहीं उठा सकते क्या? रुक बताता हूँ। यही बात है भाई, अब क्या करें? इसमें सोचने वाली क्या बात है, चलो चलते हैं। ओम कांति मताये नमः, ओम भृति मताये नमः, ओम कामिनीये नमः, ओम ब्रह्म रूपिणे नमः। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, पहले कुछ पीने को दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, एक बार पालकी उठाने के बाद पूरे गांव में घुमाकर मंदिर में वापस लाने तक पालकी उठाने वाले एक बूंद पानी नहीं पी सकते मेरे अलावा। बेवकूफी करता रहता। रुक तो जाओ, आप क्या प्रॉब्लम है? सामने पुजारी जी आ रहे हैं, इस पालकी में बैठेंगे, आइए पुजारी जी। पुजारी, पुजारी? नहीं 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 नहीं। अरे बाप रे, मैं सुबह घर से बिना कुछ खाए निकला हूँ, मंदिर में कुछ मिल जाएगा? मंदिर का सारा प्रसाद खुद ही खा जाता। पंडित जी, ये तो गलत है। पंडित जी कुछ गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? चलो उठाओ 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 पालकी को। हे माता, तुम हमारी रक्षा करना। माता हमारी रक्षा करना। उठाओ चलो ले चलो, सर्व मंगल मांगल चलिए। आप मेरे साथ आइए, आइए।
अच्छा फंसाया उसने। अभी तक तो क्वार्टर में ही वाटर की जरूरत समझता था, लेकिन आज वाटर की वैल्यू समझ में आया। अरे बच्चे लोग, यात्रा समाप्त नहीं हुई। पंडित जी अब बस भी करो। देखो बच्चों, धर्म के नियम के अनुसार जो पालकी उठाते हैं उन्हें अग्निकुंड पर चलना होगा। पुजारी हो के शैतान हो, हम लोगों को मारने का प्लान बनाया है क्या तुमने? हम लोग नहीं चलेंगे। जाओ, हम लोग जा रहे हैं। चलो रे। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मैं भी आ रहा हूँ। तुम नहीं भाग सकते बेटा। चलना होगा बेटा, जाओ जाओ। आज का दिन बहुत शुभ है, तुम जो मांगोगे मिल जाएगा, मांग लो। पक्का मिलेगा ना? अवश्य मिलेगा, ना का तो प्रश्न ही नहीं है। कितना जल गया है, इकलौते बेटे हो, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, क्या कमी रखी हमने तुम्हारे लिए, हमें ऐसे रुला रहे हो। माँ तुम रो मत, माँ तुम डांटती हो तो ये अच्छा लगता है, रोगी तो सहन नहीं होता। अरे तू पागल है क्या? डॉक्टरी पढ़ने वाली तुझे क्यों प्यार करेगी? वो डॉक्टरी पढ़ रही है या सुंदर है इसलिए मैं उससे प्यार नहीं करता। पता नहीं, बचपन से ही वो मुझे बहुत पसंद है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना तुम्हारी बेटे की किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन सीता का पति बनना तुम्हारे बेटे की किस्मत में जरूर लिखा है। एक बात तो है पापा, राम जी भले ही सीता के बिना रह लिए थे, लेकिन इस रामचंद्रपुर में ये राम सीता के बिना मर जाएगा। सपने में आई सीता हकीकत में आंखों के सामने नहीं आएगी। पैरों का दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन आंखों के सामने बैठी मैं दिखाई नहीं दे रही। तुम पागल हो क्या? खुद को मार के आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो, बोलो। मैं तो बस इतना ही प्यार जानता हूँ, तुम जिस स्कूल में थी वहां पढ़ना, तुम गांव कब आओगे उस दिन का इंतजार करना, तुम्हारे आगे अच्छा बनने का नाटक करना। सीता मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती, भगवान से बस यही मांगता रहता था, बस मैं इतना ही प्यार जानता हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया, प्यार दोनों के दिलों से पैदा होता है, ना कि ऐसे दिल पर नाम गुदवाने से पैदा होता है। अरे हटाओ ना इसे।
दिमाग खराब है तुम्हारा, किसी ने देख लिया तो? प्यार का इजहार हुए 3 दिन हो चुके हैं, प्रेमियों के बीच तो चुम्मियां भी हो जाती है ना, इतनी जल्दी वापस चली जाओगी? मेरे नाम के आगे MBBS भी है, उसे कंप्लीट करना है, शादी के बाद ये सब तुम्हें सोचना होगा। मेरी रानी, सारी लड़कियां अगर तुम्हारी तरह ही सोचे तो हर लड़की के सक्सेस के पीछे मुझ जैसा लड़का उसका पति होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? बस एक बार। नहीं। एक ही बार। नहीं। मान जाओ ना। नहीं ना। मान जाओ। मानो ना। हद तेरी की। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का मारना पड़ेगा। यहाँ कौन सा गधा मिलेगा? कोई तो होगा, देखता हूँ। ये कोई आ रहा है। ये यमराज कहाँ से आ गया? मुझे बहुत ससुर जी आ रहे हैं। अब तो मर गई मैं। बीच सड़क पे कौन खड़ा है? जरा देखना तो। देखो भाई, मेरी बेटी ने घास नहीं डाली तो किसी और लड़की के साथ घूमने लगा। ये लड़की लगता है शर्माती ज्यादा है। क्या हुआ, डिस्को डांस क्यों कर रहा है? पेट्रोल खत्म हो गया या इंजन खराब हो गया? इंजन प्रॉब्लम है, धक्के से चालू हो जाएगी। लगाओ भाई। जरूर दाल में कुछ काला है। धक्का दो, धक्का दो। सुन, तेरी शादी में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। ठीक है, वैसे आपके बिना मेरी शादी नहीं होगी। आजकल की लड़कियों को तो देखो, किसी से भी प्यार कर बैठती हैं। मेरी बेटी की तरह तो कोई सोचता ही नहीं है। आपकी बेटी समझदार है भैया। आखिर बेटी किसकी है? अच्छा हुआ देखा नहीं, वरना मार डालते। अच्छा, वैसे कहाँ पर थे हम? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कोई आइडिया है तो बता यार। राम का नाम रखकर कृष्ण का काम करोगे तो क्या होगा? अपना शटर बंद कर बे। ए, अंदर क्या हो रहा होगा बताना। ए, उसकी बहन ने प्यार किया उससे ज्यादा, तूने उससे प्यार किया उसका दुख है, और ये बात उसका भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और वो दुखी होकर सीता को अभी जोरदार थप्पड़ मारेगा, देखना। देखो, कल तक उससे नफरत थी, आज उससे प्यार हो गया। आंखों से आंसू आ गए। अब सीता दुखी होकर उसे कहेगी, मैंने राम से प्यार किया है और शादी भी उससे से ही करूंगी। अब नेक्स्ट, अब वो खुशक बुढ़िया भी क्या बकवास करेगी देख लो। मैंने तो पहले ही कहा था ना, लेकिन नहीं सुना। ज्यादा पीने वाला मर्द और ज्यादा पढ़ी लिखी औरत बात नहीं सुनते, लेकिन तुमने नहीं माना। अब जाति और धर्म के चक्कर में पड़कर घर के मुखिया गुस्से में है। तुम किसी हीरो या क्रिकेटर से प्यार करती तो उसके पैर पकड़कर उसे दहेज देकर तुम्हारी शादी उससे करवा देता। लेकिन तूने आखिर उस लड़के में ऐसा क्या देख लिया जो तूने उसे पसंद कर लिया? इस जैसे लोफर से प्यार करोगे और मैं देखता रहूंगा? छी छी छी, मैं नहीं देख सकता। घर के मुखिया क्या गधे हैं? ये शादी नहीं हो सकती। तो फिर इसका क्या होगा? कुछ देर में खुद ही सीता यहाँ चल कर आएगी, तुम लोग देख लेना। ओए सीता, सच में इधर ही आ रही है? तुझे ये सब पहले से कैसे पता चला? बचपन से मैंने इतनी फिल्में यूं ही नहीं देखी है भाई। तू हिट है भाई। आई लव यू टू। कौन है ये? शक्ल से ही विलन लग रहा है। विलन नहीं है, मेरा होने वाला पति है। वो हैदराबाद का है। तुम उसका कॉलर पकड़ो या पैर पकड़ो, मैं नहीं जानती। वो मुझे पसंद करने यहाँ नहीं आना चाहिए, बस। आप टेंशन मत लीजिए भाभी जी, हर फिल्मों में बाप हीरोइन को विलन की फोटो दिखाता है, लेकिन आखिर में तो हीरो से ही शादी होती है ना। देखो मैडम,
उस रामायण में राम के दोस्त नहीं थे, इसीलिए रावण आकर सीता को उठा ले गया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, इस राम के साथ ये दोस्त है अभी। तुम परेशान मत हो, हमें बता दिया ना। जाओ घर जाओ, घर जाओ, जाओ बोला ना, जाओ ना। ए, उस रावण को अपने रामचंद्रपुरम के भाई लोगों के बारे में पता नहीं है। चलो चल कर दिखाते हैं उसे। चलो, चलो। दिखाते हैं उसे। अरे भाई तू जरा रुक, उसके लिए तू क्यों जा रहा है? तू चुपचाप यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी, मैं अंदर जाकर उसके चार पांच लेफ्ट राइट में लगा कर आता हूँ। तू टेंशन मत ले, चलो मेरे साथ। चलो। सुन्दे। उसे जरा कम मारना। उसको कम मारना है क्या? क्या हुआ, सब ठीक तो है? ओके। आज मैं खुश हूँ, हम सब बियर पियेंगे और हैदराबाद की बिरयानी खाएंगे। चलो मजे करते हैं। तुम लोग हो मेरे असली दोस्त। तू सच में मस्त है, मस्त है यार। आखिर उसको समझाया कैसे? लेकिन एक बात है, उसके इस पिटाई से हम लोग लाइफ में सेट हो जाएंगे यार। ये ले कहा, तू भी का, तू भी का। ले चुप, वहाँ क्या हुआ तुझे पता है क्या? चलो देखते हैं। क्या खेलता है यार, देख रहा है? क्यों भाइयों, फोटोग्राफ चाहिए या ऑटोग्राफ? अच्छा, अपना काम छोड़कर तेरा फोटोग्राफ लेने आएंगे? तू कोई सचिन तेंदुलकर है? लाइव से ज्यादा तो ये फोटो में ही अच्छा लगता है। फोटोजेनिक फेस होगा ना भाई, और नहीं तो क्या। ए, कौन हो तुम लोग और चाहिए क्या तुम्हें? किसी चलती बस में अगर कोई रुमाल रख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सीट रिजर्व करके छोड़ा गया है, इसका मतलब ये है ब्रदर, अपने राम ने सीता को बचपन में ही सीट की तरह रुमाल रख के रिजर्व कर लिया था, और तू रावण की तरह आकर और वो भिखारी का भेष बदल कर सीता को उठा कर ले जाने की कोशिश मत करना, समझ गया? वरना बहुत बुरा होगा। ऐसे घूर कर मेरी तरफ मत देखो, मैं क्या कह रहा हूँ समझ गया होगा ना? ध्यान रखना, वरना तुम्हारे बॉल से तुम्हारा ही थोबड़ा टूटेगा। बैट से पैर। चलो रे। याद रहेगा ना? ए! लोग जंगल जाकर खरगोश या हिरन का शिकार करते हैं, लेकिन तुम लोग तो सीधे शेर का ही शिकार करने चले आए। मैं कौन हूँ पता है? शेर। इंडिया की तरफ से खेलने वाला क्रिकेट प्लेयर हूँ मैं। अरे बाप रे! मुझे वार्निंग देते हो तुम लोग? क्रिकेट के साथ क्या कह रहा तू? मैं हमने क्रिकेट खेलकर छोड़ दिया है, समझा? तू हमें क्रिकेट के बारे में क्या बता रहा है? मैं 20 लोगों की दाढ़ी बना सकता हूँ, तू बना सकता है क्या? बोल, बना सकता है क्या? बोलना, बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना? सबका अपना अपना टैलेंट है, इसमें मारने की क्या बात है? क्या कहा? और क्या, बचपन में ही क्रिकेट खेलकर छोड़ दिया? हाँ। तो फिर एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कि मैं सीता श्रीवास्तव को छोड़ दूं, तो बचपन में छोड़ा हुआ क्रिकेट हमारे साथ खेलकर तुम्हें जीतना होगा। ओके? ओके है? हाँ? हाँ, खेलेंगे, खेलेंगे और तेरा घमंड तोड़ कर रहेंगे। अच्छा, और वो उसका प्यार जीतेगा। अरे वाह, तू फिर से कभी शर्त नहीं लगाएगा। खेलेंगे, खेलेंगे। चैलेंज, चैलेंज, चलो चैलेंज। कहाँ है वो? अब देख इसकी हालत क्या करते हैं। तो यही है, सीता श्रीवास्तव से सिंसियरली प्यार करने वाला मिस्टर रामदास, तुम्हारा बॉस। इन गधों का मैं कहां से बॉस हो गया भाई? बिल्ली की भी मूंछें होती हैं, शेर की भी मूंछें होती हैं, दोनों को एक समझ बैठे हैं ये गधे लोग। तोते की जान जैसे मैना में होती है ना,
वैसे ही मेरी जान उसमें बसी है भाई। तुम्हारे रेंज के मुताबिक तो तुम्हें उससे भी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसे छोड़ दो ना भाई, प्लीज भाई, पैर पड़ता हूँ आपको, उसे छोड़ दो। अबे चुप रह, प्लीज भाई छोड़ दो ना। ऐसा क्यों कर रहा है प्यार में, तो तू भिखारी जैसे लग रहा है। तुम भिखारी समझो, बेकार समझो, जो समझना है समझ लो भाई, लेकिन बस मुझे मेरी सीता चाहिए भैया। भैया भैया प्लीज भैया प्लीज भैया प्लीज, ये शर्त भर तुम्हारी कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ कैंसिल प्लीज भैया। देखो ना भाई कितने अच्छे हैं। तेरी प्रॉब्लम मैं अच्छी तरह से समझ गया, जैसा तूने कहा शर्त को साइड में रख देते। तेरी शादी भी मैं साथ में रहकर करवाऊंगा, प्रॉमिस। लेकिन एक खास बात, तू सीता श्रीवास्तव को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। कॉलर पकड़ कर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, दम है तो खेल कर दिखा, नहीं तो बिना खेले ही हार जा। खेलूंगा, खेल कर दिखाऊंगा और तुझे हरा के भी बताऊंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा और सीता के गले में मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा। तुम लोग क्रिकेट खेलते हो तो ऊपर एक गार्ड और नीचे एक गार्ड, लेकिन हमारा एक ही गॉड है। मुझ में तेंदुलकर की तरह भली टैलेंट ना हो, ना ही धोनी की तरह हिम्मत हो, लेकिन सीता हमेशा राम की ही होती है, समझा। बचपन में उसे चोट लग गई थी इसलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था, और अब वही चोट तुझे देने के लिए दोबारा मैं बैट पकड़ूंगा।